यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। प्रमंडलीय मुख्यालय डालटनगंज के सदर अस्पताल में मंगलवार को एक महिला ने 3 शिशुओं को जन्म दिया। नवजात शिशुओं में से 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री। सेवा में लगी नर्स चंचला ने बताया कि शिशुओं का वजन सामान्य से कम है, इसलिए चिकित्सकों द्वारा तीनों बच्चों को NICU में रखने की सलाह दी गई है। फिलहाल लाभार्थी महिला कमला देवी भी स्वस्थ हालत में है और वह हरिहरगंज थाना क्षेत्र के मधुबनी गाँव निवासी गुड्डू रजवार की पत्नी है। मिली जानकारी के अनुसार उसे पूर्व में भी 3 बच्चे थे। 2 बच्चों की अकस्मात मौत के बाद फिर से उसे सामान्य प्रसव के दौरान आज 3 स्वस्थ संतानें नसीब हुई। 3 बच्चे को जन्म दिया, कैसा हालत और कहाँ की रहने वाली है ये महिला जो लाभार्थी है हमारे पास, उसका नाम कमला देवी है जो हरियरगंज से रेफर होकर आई है। ये हमारे यहाँ एक बार भी नहीं आई है। इसका कंडीशन बहुत ख़राब था पहले से, ऑलरेडी इसका 2 बच्चा मरा हुआ है, 1 बच्चा इसका जिंदा है। और ये हमारे सदर हॉस्पिटल में सुबह 10:30 बजे के लगभग आई तो इसका कंडीशन बहुत ख़राब था। फिर हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको, ये 3 बच्चे, वो भी तीनों बच्चे इसके स्वस्थ है। वेट तो बच्चे का कम है लेकिन अभी लाभार्थी जो है वो सुरक्षित है, बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित है। हमारे यहाँ से डॉक्टर भी आए, नीचे बच्चे डॉक्टर आए, वो देखे बच्चे को और बच्चे को फिर बोले कि ICU में ले जाने के लिए, क्योंकि बच्चे का वज़न कम है। क्या इससे पहले भी यहाँ सदर अस्पताल में पहले ऐसा हुआ है? हाँ, हमारे यहाँ पहले भी इससे सिजेरियन से 3 बच्चे हुए थे और तीनों वो लोग भी स्वस्थ थे, अभी भी तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। और हमारी जो लाभार्थी है कमला देवी, वो भी अभी बहुत अच्छी है।